और एक बार फिर से आपको कोलकाता लिए चलेंगे क्योंकि वहां से हिंसक तस्वीरें आ रही हैं। दरअसल बीजेपी के जो समर्थक हैं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी, उसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी के पास की सड़क है जहां पर अभी भी ये हिंसक झड़प जारी है। हमारी संवाददाता ने जिस तरह से जानकारी दी उससे ये मालूम पड़ता है कि इसी रास्ते से होकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो निकला था और तभी से इस तरह की घटनाएं वहां पर देखी जा रही हैं। हथियारों का इस्तेमाल ये बीजेपी के समर्थक भी कर रहे हैं, वहां पर तोड़फोड़ भी चल रही है, कई समर्थक घायल भी हुए हैं, लेकिन पत्थरबाजी अब भी जारी है। और ये आरोप बीजेपी के समर्थकों की ओर से लगाया जा रहा है कि दरअसल पुलिस ने उन्हें उकसाया, उसके बाद ही उन्होंने लाठी डंडे उठा लिए और इसका जवाब दिया। हालांकि अभी भी जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है उससे ये साफ होता है कि ये संघर्ष अब भी जारी है। वहां पर स्थिति सामान्य नहीं हुई है, तनावपूर्ण बनी हुई है और ये माना जा रहा है कि कुछ देर तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी क्योंकि ये समर्थक बड़ी तादाद में यहाँ पर रोड शो के लिए मौजूद थे और उसके बाद से ही पुलिस बल और इनके बीच हिंसक संघर्ष देखा गया। तस्वीरें देखिए, आग जनी वहां पर की जा रही है, बाइक को आग लगा दी गई है जिसे पुलिस बल बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों से ये ज़रूर साफ होता है कि वहां अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि ये हैरानी की बात है कि ये सबसे प्राइम इलाकों में से एक कहा जा सकता है क्योंकि कोलकाता यूनिवर्सिटी बेहद नज़दीक है। वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, उसके बावजूद इस तरह का हिंसक संघर्ष वहां पर देखने को मिला। अब भी वहां पर आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, भीड़ को अभी तक पूरी तरह से काबू में नहीं किया जा सका है। हालांकि बड़ी संख्या में वहां पर अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें पुलिस बल दिख रहा है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है। लाठी डंडों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं क्योंकि पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। और ये रोड शो के दौरान ही हंगामा शुरू हो गया था जो रोड शो का काफिला गुजर जाने के बाद अब भी वहां पर जारी है और देखा जा सकता है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित जी, ये जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता की, ये डराती भी हैं और ये भी दर्शाती हैं कि वहां पर जिस तरह से आपका रोड शो हुआ, क्या लगता है उकसाया गया आपके समर्थकों को, इस वजह से ये तस्वीर दिख रही है? उकसाने का सवाल नहीं, हमला किया गया है। लाखों लाखों की संख्या में कलकत्ता के निवासी आज रोड शो में थे। आपने सामने देखा होगा तो आपको मालूम होगा, विजुअल भी आपके पास पड़े होंगे, आपको दिखाने चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से रोड शो चल रहा था, एक मेडिकल कॉलेज में से अचानक टीएमसी के लोगों ने आए, आगजनी करी, कुछ पदार्थ फेंके मेरी जीप से 200 फुट दूर मेरी गाड़ी के, और हिंसा की गई। मुझे विवेकानंद जी के घर पर भी नहीं जाने दिया गया। मैं वहां जाकर पुष्पांजलि करना चाहता था, पुलिस ने रोड शो समाप्त हुआ ले जाते हैं आपको विवेकानंद जी के घर पर, ऐसा कर गाड़ी में बिठाया और अलग रास्ते से वहां ले गए। हेलो अमित जी, लेकिन रैली में हुआ क्या, क्यों इस तरह की अराजकता वहां पर देखी गई? हमने देखा था तस्वीरों में कि वहां पर प्रधानमंत्री के जो पोस्टर बैनर थे वो उखाड़ लिए गए या फिर उल्टे कर दिए गए, उसके खिलाफ कोई शिकायत आपकी पार्टी की ओर से? बहुत शिकायत की, लेता कौन है शिकायत की, यहाँ पुलिस शिकायत ही नहीं लेती है। मेरे तो देश भर में कार्यक्रम होते हैं, कहीं हिंसा नहीं हुई, बंगाल में ही क्यों हिंसा होती है? ममता दीदी की पार्टी करा रही है, पुलिस के संरक्षण में करा रही है, बंगाल सरकार के संरक्षण में करा रही है। अमित जी, छह चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, आखिरी चरण का चुनाव अब होना बाकी है, मतदान होना बाकी है, ऐसे में अभी भी हिंसा जारी है, पहले भी हमने हिंसक तस्वीरें देखी थी पश्चिम बंगाल से, अब किस तरह की तैयारी है ताकि ये तस्वीर दोबारा रिपीट ना हो, ऐसी तस्वीर वहां से एक बार फिर से ना आए?
नहीं, हमें क्या तैयारी करनी है? आप उल्टा मुझे क्यों सवाल कर रही हो? नहीं सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ममता, आप क्या कहना चाहती हो, हम चुनाव लड़ना छोड़ दें? आपकी मांग किस तरह की है कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जाए? आप तो उल्टा सवाल कर रही हूँ, इसलिए मैं पूछता हूँ हम चुनाव लड़ना छोड़ दे क्या? नहीं नहीं सर, चुनाव लड़ना नहीं छोड़ा, मैं कह रही हूँ कि किस तरह से हिंसा को वहां पर रोका जा सकता है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? किसने रोकना है? कौन हमले कर रहा है? टीएमसी कर रही है। सर चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे क्या आप? जी जरूर करेंगे, मगर चुनाव आयोग यहाँ ट्रांसफर कर देता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ममता दी ने कब्जे करके रखा है। आपको ममता को पूछना चाहिए हिंसा क्यों हो रही है, मुझे क्या पूछ रही है? उनसे भी सवाल किए गए थे, आपसे भी सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल से बार बार एक ही जैसी तस्वीरें, चाहे पोलिंग बूथ हो, चाहे सड़क हो, चाहे रैली हो, आज भी हमने देखा किस तरह से रैली के पहले भी और रैली के बाद अब भी वहां पर संघर्ष जारी है, और कई बार हमने देखा कि खुलेआम वहां पर हथियार लहराते हुए लोग दिखाई दे। ये तस्वीरें दरअसल अराजकता की ओर इशारा करती है और ये बताती है कि ममता बनर्जी वहां पर किस तरह से अपने राज्य में बीजेपी को ढकेल रही है। सर ये एक बात मुझे बताइए, हम तो पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं और ऐसी तस्वीर देखी है आपने? नहीं सर। देखिए आया ना बताइए, यहाँ से टीएमसी लड़ रही है तो कौन जिम्मेदार हो सकता है? सर हम ये पूछ रहे हैं आपसे सर कि किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है कि शांतिपूर्ण मतदान हो, एज अ पार्टी अध्यक्ष आप क्या कोशिश कर सकते हैं इसके लिए? हम तो अपील कर सकते हैं आपको कि आप सत्ता कल्पित को जनता को बताइए, अभी भी आप नहीं बताती है कि टीएमसी आ रही है। नहीं सर, हमने बताना चाहिए कि दोषी कौन है। सर वो तो हमने सवाल ममता बनर्जी से भी किए थे। सारे देश भर में शांति से चुनाव हो रहा है और सिर्फ बंगाल में हिंसा हो रही है। बंगाल में सिर्फ टीएमसी सिर्फ बंगाल में है, इसका मतलब क्या निकलता है? और ममता दीदी भाषण में कहती है मैं बदला लूंगी, किस चीज का बदला लेना चाहती है मुझे? सर कहीं वो डर तो नहीं गई है कि आपकी पश्चिम बंगाल में सीटें पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा सीटें आ रही हैं, ये डर तो नहीं दर्शाता है उनका? देखिए वो कितना भी प्रयास कर ले, इस बार बंगाल में बंगाल की जनता उनको हटाने जा रही है। 23 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है अब उनके बियॉन्ड कंट्रोल है, टीएमसी के गुंडे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आज की रैली के बाद ये जितनी भी भीड़ आपकी रैली में जमा हुई अमित शाह जी, ये सब वोट में तब्दील हो रही है, क्या उम्मीद लग रही है इस बार कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की पश्चिम बंगाल में? हम 23 से ज्यादा सीटें जीते। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बातचीत के दौरान ये बता रहे थे कि 23 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। कोलकाता पुलिस और बीजेपी के समर्थकों के बीच जो झड़प हुई उस पर उन्होंने बोला कि ये दरअसल ममता बनर्जी के राज्य में किस तरह से अराजकता फैली हुई है ये दर्शाता है, और साथ ही ये भी साफ होता है कि बार बार जो कोलकाता से इस तरह की तस्वीर या फिर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीर आ रही है वो वहां की पुलिस और प्रशासन के लचरपन और ममता बनर्जी की तानाशाही की ओर उन्होंने इशारा किया। रोड शो में हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि सारी हिंसा ममता बनर्जी ही करा रही है। इस बीच जब रोड शो की शुरुआत हुई थी उससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से पोस्टर और बैनर वहां पर हटा दिए गए थे या फिर उल्टे कर दिए गए थे। ये तमाम पोस्टर बैनर दरअसल रोड शो और रैली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह की फोटो के साथ थे, और इस रोड शो में हंगामे के बाद अब भी ये हंगामा जारी है। कोलकाता यूनिवर्सिटी के नजदीक ये सड़क है जहां पर इस वक्त भी संघर्ष चल रहा है। देख सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हुई है, वहां पर कई ऐसी बाइक्स हैं, कारें हैं जिसमें आग लगा दी गई है। पुलिस लगातार आग बुझाने की कोशिश में है, लेकिन हम 23 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में जीतेंगे ये पूरे आत्मविश्वास के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुझे विवेकानंद जी के घर नहीं जाने दिया गया, किस तरह से अवरोध पैदा किए गए, किस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों में जाने से रोका गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर रैली करने की कोशिश की थी, तब भी रैली की इजाजत नहीं दी गई थी।